वेलकम बैक गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं डेजी डेगो। और आज मुझे डेजी डेगो के प्रिजन से भागना है, बाहर निकलना है, एस्केप करना है। ओपन करते हैं, ओपन करा आ चुके हैं टनल में। इसके बाद इसे भी ओपन करते हैं गाइस, इसे भी ओपन किया, नीचे आ चुके हैं। और अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो सेफली तरीके से गाइस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, फटाफट से ऊपर चलेंगे। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, देख सकते हो मेरे सामने का ट्रैप और चैलेंज और भी ज्यादा हार्ड और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। जंप करके अच्छी तरीके से चलेंगे क्योंकि नीचे काफी खतरनाक सा ट्रैप है। क्या मैंने यहाँ पर, मैं गिरते गिरते बचा हूँ लेकिन बच गया, ये सबसे अच्छी बात था। ओके, अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे, बहुत सही है मैन। यहाँ चलते हैं टनल में। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं टनल के अंदर। ओके, और अब देखते हैं क्या होगा। ओके, मेरे सामने डेजी डेगो है, बच के रहना पड़ेगा। बटन दबाते हैं, यहाँ पर बटन है, दबा दिया और मेरे पीछे पड़ चुका है डेजी डेगो। और मुझे इस डेजी डेगो से बचना पड़ेगा, और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें स्टेयर्स की मदद से ऊपर जाना होगा। फटाफट चलते ऊपर, और मेरे पीछे पीछे डेजी डेगो आ रहा है, संभाल के चलते गाइस। ओके, आगे चलते हैं। अब इसके ऊपर डेजी डेगो नहीं आ सकता है, बसरते मुझे आगे का रास्ता अच्छी तरीके से पार करना होगा। अगर मैं नीचे गिरा तो ये डेजी डेगो मुझे किल कर देगा। सामने टनल है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं टनल के अंदर, और यहाँ पर हम लोग नीचे जा रहे हैं। और जैसे हम लोग आते हैं तो यहाँ का नजारा कुछ अलग ही जैसा होता है। आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है ये डेजी डेगो का टॉयलेट है। ओपन करा ये रहा सावल, और सावल की मदद से मैंने यहाँ पर सुरंग बनाना भी शुरू कर दिया है। देखते हैं क्या होगा। तो गाइस सुरंग कंप्लीट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो यहाँ पर एरो का सिंबल है, अब हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ओके, और मुझे सिर्फ एरो के सिंबल को फॉलो करना है, जल्दी पहुंचेंगे। देख सकते हो क्या एक खतरनाक सा ट्रैप है। और राइट संभल के, ये सिंगल चेन है, यहाँ भी आ चुके हैं, उसके बाद यहाँ भी आ चुके हैं। अब मुझे ब्रिज को पार करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट से इसे भी पार कर लेता हूँ। ओके, बहुत सही है मैन। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, आगे बढ़ते फटाफट से। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एरो का सिंबल है, आगे बढ़ना होगा। और जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ब्लॉक है, और मुझे ब्लॉक पर जंप करते हुए जाना पड़ रहा है काफी अच्छी तरीके से। ओके ना, संभल के गोला आ रहा है, गोला से मुझे बच के जाना पड़ेगा सामने की तरफ। और जहां पर एरो का सिंबल है मुझे वहां स्टे करना है। देख सकते हैं अभी आप लोग यहाँ पे रुकते हैं, फिर से गोला आएगा, वो गोला आ रहा है, जाने देते हैं गोला को, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। और गोला जैसे गया वैसे हम लोग आगे, मतलब आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर स्टे किया, फिर से गोला आएगा फिर से, और ये गोला जा चुका है। आगे बढ़ते फटाफट से गाइस। और अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लेडर है, इसकी मदद से सीधा ऊपर चलेंगे। तो हम लोग यहाँ भी सेफली तरीके से आ चुके हैं, संभल के। यहाँ पर डेजी डेगो का गार्ड मुझे देख लिया है और मुझे किल करने के लिए आ रहा है। मैंने व्हील घुमाकर दूसरा रूम का डोर ओपन कर दिया है। अब मुझे इस डेजी डेगो के गार्ड को चकमा देना पड़ेगा। ये भी डेजी डेगो ही है, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर और आकार पूरी तरीके से डिफरेंट है। ओके, तो गाइस यहाँ आ चुके हैं, जंप करते हैं ना सटीक तरीके से, और हम लोग काफी अच्छी तरीके से जंप करते हुए जा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। ओके ना गाइस, बहुत सही है मैन। यहाँ भी आ चुके हैं, उसके बाद यहाँ भी आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, और हम लोग आ चुके हैं ब्रिज पर। अब मुझे अच्छी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। लीवर पुल डाउन करेंगे, पुल डाउन किया और लिफ्ट हो चुका है पूरी तरीके से एक्टिवेट। कुछ सेकेंड वेट करेंगे, तब तक आप लोग चाहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर सकते हो। मेरे सामने वेंडिंग मशीन है डेजी डेगो का स्ट्रक्चर का, और यहाँ पर मैंने एनर्जी ड्रिंक ले लिया है। अब मेरे पास एक एबिलिटी, अरे नहीं यार, गलती से मैं गिर गया, लेकिन इस बार मुझे नहीं गिरना है, कोऑर्डिनेशन मिला के मैं जंप करूंगा। ओके, पिछली बार तो मैं गलती से नीचे गिर गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, स्क्रीन अपने आप बिग साइज का होने लगा था। ओके ना, बहुत सही है मैन, काफी अच्छी तरीके से जा रहे हैं। ओके, यहाँ भी आ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, आधा दूर से ज्यादा ही आ चुके हैं, बस थोड़ा और बचा है, दो जंप और करेंगे उसके बाद पहुंच जाएंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, ये रहा आयरन का लेडर, और इस लेडर की मदद से सीधा ऊपर चलेंगे। तो हम लोग यहाँ भी सेफली तरीके से आ चुके हैं, अब ऊपर चलते हैं गाइस। तो हम लोग ऊपर भी आ चुके हैं, आगे बढ़ना पड़ेगा, फटाफट चलते हैं गाइस। और यहाँ पर देख सकते हो पहले से ही लेडर लगा हुआ, इसे ओपन करते हैं और सीधा इसके ऊपर चलते हैं। ओके ना, तो गाइस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं सेफली तरीके से। और यहाँ आप लोग देख सकते हो दोनों तरफ काफी खतरनाक सा ट्रैप है, संभल के जाना होगा। बहुत सही है मैन। तो हम लोग यहाँ भी आ चुके हैं, और ये आयरन का लेडर, सीधा ऊपर चलते हैं। तो गाइस सेफली तरीके से हम लोग यहाँ भी आ चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पर वुडन का प्लैंक्स लगा हुआ है
तो मुझे इस पर अच्छी तरीके से जाना होगा जंप करके। अगर मैं एरो के निशान को फॉलो करूं तो जल्दी पहुंचेंगे। तो हम लोग काफी तेज तरीके से जा रहे हैं प्लैंक्स की मदद से। अब कुछ ही देर में सबसे ऊपर होंगे अगले स्टेज में। ओके बहुत सही है मैन, इसके ऊपर चलते हैं और यहाँ भी सेफली तरीके से आ चुके हैं। अब मुझे एयर पाइप को बंद करना होगा, उसके लिए मुझे रेड व्हील को बंद करना होगा, क्लोज करना होगा। क्लोज करा, आगे चलते हैं। ओके ना, और नीचे एक और व्हील है, उसे भी घुमाकर हम लोग पूरी तरीके से क्लोज करेंगे। क्लोज करते हैं, तो मैंने इसे भी घुमाकर क्लोज कर दिया। मतलब ये दो व्हील को मैंने पूरी तरीके से घुमाकर क्लोज कर दिया, बचा सबसे लास्ट व्हील, और उसे घुमाते ही आगे जाने का रास्ता अपने आप बन जाएगा। और यहाँ एक पाइप से धुआं अभी भी निकल रहा है, तो जंप करते हैं ना, बंद करते हैं इसे, घुमा दिया, अब ये बंद हो जाएगा। बंद हो चुका है, अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। मेरे सामने एक और कैरेक्टर है, लेकिन मुझे इस कैरेक्टर से पहले पहुंचना है। सबसे पहले हम ही जाएंगे ऊपर, आ चुके हैं, उसके बाद इसके ऊपर चलते गाइस, आ चुके सेफली तरीके से। ओके इसके बाद टनल है, देख सकते हो टनल के अंदर भी आ चुके हैं, और अब देखना यह है ये टनल मुझे कहाँ लेके जाएगा। ओके ना, और यहाँ पे एयर फ्लो कुछ ज्यादा ही तेज है, तो मुझे अपने कैरेक्टर को जंप कराना है। वैसे मैं गिरते गिरते बचा हूँ, बच गया ये सबसे अच्छी बात हुआ। डेजी डेगो के प्रिजन से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी से यहाँ से भागते हैं। ओके ना, दो ब्लॉक और बचा, इसे भी पार करेंगे। ओके सेफली तरीके से आ चुके हैं। ऊपर जाने के बाद पता चलेगा कि अब मुझे क्या करना है। सीधा जंप करके उस होल के अंदर जाना पड़ेगा, तो मैंने जंप करा और यहाँ पर पहला अटेम्प्ट में हम लोग आ चुके अंदर। मुझे लगा था मैं नीचे गिरने वाला हूँ, लेकिन मैं बच गया। अब आगे चलते हैं, फटाफट चलते हैं आगे। ओके और यहाँ पर मिल्क द सेफ है, और मुझे मिल्क द सेफ को मारना पड़ेगा। ग्लास में मिल्क है, उसी का स्ट्रक्चर बना हुआ है मिल्क द सेफ। मुझे वेपन चाहिए तभी मैं इसे मार पाऊंगा, और इसने मुझे डैमेज दे भी दिया है, संभल के रहना पड़ेगा। मैंने इसे थोड़ा भी नहीं मारा और इसने फटाक से डैमेज दे दिया। मैन कोई दिक्कत वाली सीन नहीं है, ये रहा ऊपर, रुक जा तेरी भैंस की टांग, रुक जा। अब ये नीचे आया, मैं इसे जल्दी मारने का प्रयास करूंगा। ये मिल्क द सेफ काफी ज्यादा डेंजर से पता नहीं क्या फेंके मारता, जिसकी वजह से हमारा स्पीड काफी स्लो हो जाता है, और पता नहीं कैसे टपली बजा देता है। जल्दी भागना पड़ेगा, जल्दी से निकलते हैं। यहाँ मैंने, इसने मुझे फिर से डैमेज दे दिया, जल्दी से इसे फिनिश करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे ही किल कर देगा। ओके इसका हेल्थ मैंने आधा से डाउन दे दिया है, और उसने मेरा हेल्थ तो आधा से बहुत ज्यादा कम कर दिया है मैन। ओके इसका हेल्थ रेड कर दिया, अब मुझे किसी भी कीमत पर इसे मारना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। ओके हो चुका है ब्लास्ट, और इस तरफ से जाने का रास्ता भी ओपन हो चुका होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रास्ते से यहाँ से निकल पाएंगे? देख सकते हो एरो का सिंबल है, इसका मतलब यह पूरा का पूरा सही रास्ता है। और जैसे हम यहाँ आते हैं, मेरा करेक्टर नीचे स्क्रॉल होने लगता है। स्क्रॉल होते होते एक हाईली जंप किया और नीचे लैंड कर चुके हैं, और आगे जाने के बाद पता चलेगा कि अब मुझे क्या करना है। इसके ऊपर चलेंगे, और मैं काफी अच्छी तरीके से जा रहा हूँ बिना किसी दिक्कत के। ओके इसे ओपन करेंगे, ओपन किया, सामने तीन तीन एरो का सिंबल है, और मुझे एयर में फ्लाई करना है। संभल के लेजर है, पहला लेजर को बीट कर दिया, अब चलते सेकेंड लेजर की तरफ। सेकेंड लेजर भी बीट है, बचा है दो लेजर और ये तीसरा है। तीसरे लेजर को भी यहाँ पर पार कर लिया, बचा है फोर्थ, यानी कि ये सबसे लास्ट है। उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे अगले स्टेज में, और यहाँ पर लैंड करते हैं। पहुँच चुके हैं अगले स्टेज में, और अब देखते हैं मेरे सामने कौन सा चैलेंज आएगा। सच में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। ऊपर चलेंगे, क्योंकि यहाँ एरो का सिंबल पहले से बना हुआ था। देख सकते हो यहाँ पर प्लैंक्स है, मुझे इसकी जरूरत है, इसे मुझे सही जगह पर ड्रॉप करना होगा। ड्रॉप कर दिया, आगे चलते हैं। फिर से उठाया और इसे हम लोग यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप कर दिया, फिर से उठाते हैं और यहाँ पर रखेंगे, रख दिया, आगे चलते हैं। ओके ना, और यहाँ पर ये डोर ओपन हो चुका है, सामने देख सकते हो यहाँ पर एक मैच रोबोट है, इसका नाम है एक मैच रोबोट। इसे मैं फटाफट से फिनिश करता हूँ। क्या मैंने, इसने भी मुझे डैमेज दे दिया है, संभल कर रहना पड़ेगा, संभल कर रहना पड़ेगा। मेरा आवाज आप लोगों को थोड़ा सा कम सुनाई देता होगा, पहले मैं इसे फिनिश करता हूँ, उसके बाद आते हैं। ओके क्या मैं पहले से बचते हैं, इसे बचना पड़ेगा, इसे बचना पड़ेगा, ये काफी ज्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ओके जितना हो सके मुझे इससे दूरी बना के रखना है।
और राइट गाइस, एक मैच रोबोट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सामने यहाँ पर गैराज का डोर ओपन हो चुका है। अंदर चलते हैं, व्हीकल में बैठते हैं और व्हीकल स्टार्ट करते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं। ओके, व्हीकल मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, सामने डोर है, लेकिन ये व्हीकल डोर को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ओके।